हेलो फ्रेंड्स, एज पर योर डिमांड आज मैं आपको बताता हूँ कि जब आप कोई स्पीच को याद करके नहीं दे सकते, आप स्पीच को लिख करके ढंग से पढ़ सकते हैं। आई मीन टू से कि स्पीचिफाइंग विथ प्रॉपर एक्सेंट मे बी डिफिकल्ट, बट व्हेन यू हैव रिटन पॉइंट, बट व्हेन यू स्पीचिफाई विथ प्रॉपर एक्सेंट, पीपल लाइक इट। तो हम देखते हैं कि पहले के वीडियो में आपको मैंने बताया था वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, और उसको मैंने ट्रांसक्राइब करके भी बताया था, ट्रांसक्रिप्शन। उसी ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से मैं आपको कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाता हूँ आज, जिसको आप मेरे वीडियो को बार बार देख करके प्रैक्टिस करेंगे और अपने एक्सेंट को सुधारेंगे। मैं लिखता भी जाऊँगा और साथ में पढ़ता भी जाऊँगा। आप इसको देखिए, इंजॉय करिए और सीखिए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि कोई सेंटेंस है, आई एम जॉन ब्राउन, आई एम नॉट रॉय। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिया है कि आई एम जॉन ब्राउन, आई एम नॉट रॉय, ठीक है। अब इसको मैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आपको बताता हूँ कि इसको मैंने इसका उच्चारण यहाँ पे लिखा, आई एम, ये डी एंड जेड जैसा जो साउंड है इसको ज साउंड बोलते हैं, ये ओ है जॉन, ये जो मैं लगा रहा हूँ ये स्ट्रेस मार्क है, ब्राउन, आई एम नॉट रॉय। देखिए अब इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम को पढ़ रहे आई एम, जॉन ज साउंड आ रहा है जॉन, ब्राउ आओ साउंड आ रहा है ना आओ, ओके, यहाँ पे आओ आ रहा है, ब्राउन, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक है, आई एम फिर वही है, आई एम नॉट, ठीक है, थोड़ा सा अंतर, नोट जो हम बोल रहे हैं तो नोट एक बैंक नोट होता है और ये जो मैं नोट बना रहा हूँ वो नोट होता है, तो इसको हम नोट ना बोल करके हम बोलेंगे क्या, नॉट। बस थोड़ा सा अंतर करके आप अपने इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। देखो, आई एम नॉट रॉय, यहाँ पे वाई को ई साउंड हम पढ़ रहे हैं, रॉय, रॉय यह साउंड ना पढ़ के पढ़ करके हम क्या पढ़ रहे हैं, ई साउंड। तो ये थोड़ी थोड़ी माइनर चीज़ों को आप चेंज करके अपने उच्चारण में देखो कितना अच्छा अंतर आप ला रहे हो। जैसे पहले आप इसको इंग्लिश में पढ़ रहे थे, जनरल लैंग्वेज में आप पढ़ रहे थे आई एम जॉन ब्राउन, आई एम नॉट रॉय, लेकिन अब आप इसको थोड़ा मॉड्यूलेट करके पढ़ रहे हैं, यानी कि सही पढ़ रहे हैं, ये कोई मॉड्यूलेशन नहीं है बल्कि आप इसको सही ट्रांसक्राइब करके पढ़ रहे हो। तो क्या हो रहा है, आई एम जॉन ब्राउन, आई एम नॉट रॉय। आप फील करेंगे कि दूसरा जो मेरा रीडिंग था वो ज़्यादा इंग्लिश की ओर था, ना कि इंग्लिश की ओर। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे आप, और मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, इट इज़ अ ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम, कोई भी मैं रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके लिए दूसरा, कि ये पहला, इट इज़ अ ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको मैं पहले ट्रांसक्राइब कर देता हूँ ताकि आप इसको बाद में वीडियो में देख करके इसको समझ सकें। ये इट इज़ को इट्स बनाया, ये ए को हम क्या पढ़ते हैं अ, और यहाँ स्ट्रेस मार्क लगा के मैं क्या कर रहा हूँ, ग्री ट्रिंग, ये अंगा साउंड है, और फिर का आह साउंड है, ज, एंड फ्रॉम हम नहीं पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं फ्राम, ये फ्राम, फिर ए जो है उसको हम पढ़ रहे हैं अ, और फ्रेंड को ऐसे ट्रांसक्राइब कर रहे हैं फ्रेंड ऐसे, ठीक है। तो क्या हो गया कि इंग्लिश में हम इसको पढ़ रहे थे, या जनरल अगर आप अनजान थे तो पढ़ रहे थे कि इट इज ए ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम ए फ्रेंड, जबकि ब्रिटिशर्स इसको पढ़ रहे हैं इट्स अ ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम अ फ्रेंड। तो आप देखेंगे कि दूसरा जो टोन मेरा आ रहा है वो ज़्यादा आपको पसंद आया होगा, बिकॉज दैट इज़ न्यूट्रल इंग्लिश। व्हेन यू से इट इन न्यूट्रल इंग्लिश, आई रिपीट इट, इट्स अ ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम अ फ्रेंड, ये नहीं कि इट इज़ ए ग्रीटिंग कार्ड फ्रॉम ए फ्रेंड। आप उस इसके गैप को महसूस किए होंगे कि कैसे ये अंतर आ रहा है। मैं और भी एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आप इसको परफेक्ट कर सकें, और ये जो दो तीन एग्जाम्पल है तो जिसमें आप देखेंगे आई एम, अब आपके ज़िंदगी भर आई एम ये बार बार आएगा, कोई नाम ऐसा बार बार आएगा, नॉट बार बार आएगा, इट्स बार बार आता है, तो आप एक एक करके एक एक पॉइंट ही सीख रहे हो, लेकिन वो आपको हमेशा के लिए काम आएगा और इसका आपको एक अभ्यास बन जाएगा। मैं और एग्जाम्पल आपका लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं ले रहा हूँ एक और सेंटेंस, दैट इज नॉट अ गिफ्ट फॉर यू, भाई वो गिफ्ट तुम्हारे लिए नहीं है, ये बात मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, दैट इज़ नॉट ए गिफ्ट फॉर यू। अब इसको मैं ट्रांसक्राइब कर देता हूँ पहले, तो ये द साउंड है, ठीक है, दैट आई साउंड है, दैट इज
जा वाला इज नॉट अ, ए को क्या बनाए अ गिफ्ट, ये न्यूट्रल है बस यहाँ पे स्ट्रेस लगा रहा हूँ, फोर साउंड जो आ रहा है फ एंड यह साउंड एंड ओ साउंड। अब देखिए ये कितना अच्छा न्यूट्रल इंग्लिश बन गया आपके अभ्यास के लिए। दैट, इसमें आप जबड़ा को खोलेंगे और फिर बंद करेंगे मुंह को बोलते समय, दैट है ना, मैं मुंह को खोल रहा हूँ और बंद कर रहा हूँ, ठीक है, ये मुंह का ये खुलेगा और बंद होगा। दैट थोड़ा यहाँ पे टाइम लेंगे, दैट इज नॉट अ गिफ्ट। फ को जब हम बोल रहे हैं तो अपर टीथ और लोअर लिप के सहायता से फ बोलेंगे, ठीक है, फ ये नहीं, दोनों ओठ के सहायता से फ बोलेंगे तो इंग्लिश का फ नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आप बोलेंगे दैट इज नॉट अ, ए नहीं बोलेंगे, अ गिफ्ट फॉर यू। तो आप देखें कि इंग्लिश साउंड आ रहा है आसानी से, जैसा आप बोलना चाहते हो एक्चुअली न्यूट्रल इंग्लिश, दैट इज नॉट अ गिफ्ट फॉर यू। अब पहले हम पढ़ रहे थे कि दैट इज नॉट ए गिफ्ट फॉर यू, तो दोनों साउंड को आप आसानी से महसूस कर रहे होंगे फ्रेंड, और फिर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपकी सुविधा के लिए और एग्जाम्पल लेता हूँ, अब मान लो क्वेश्चन वाला एक लेता हूँ, एजेंट द स्नैक अ रेप्टाइल, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है कि एजेंट द स्नैक ए रेप्टाइल। अब इसको मैं ट्रांसक्राइब पहले कर दूँ ताकि इसको बाद में भी आप जब रिवाइज करें वीडियो को तो आपको सुविधा हो। एजेंट द स्नैक अ रेप्टाइल, ऑल द वर्ड्स आर कॉमन, isn't the, isn't the snake a and e, snake a reptile, this is simple as you read it, just a stress is there, ठीक है। अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, what do I have, एक और क्वेश्चन मैं छोटा सा लेता हूँ जो कि अक्षर हम बोलते हैं, अब इसको मैं ट्रांसक्राइब करता हूँ, इसका भी आप अभ्यास करेंगे। तो ये हो गया what डू आई हैव पे स्ट्रेस आ रहा है एन हैव क्वेश्चन मार्क, तो वॉट यहाँ पे भी स्ट्रेस है, वॉट डू आई, अब डू आई पे स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, वॉट डू आई को जल्दी पढ़ें, वॉट डू आई हैव, इस पे स्ट्रेस आ रहा है, आप मेरे टोन पे भी ध्यान दें, वॉट डू आई हैव, दिस इज इंग्लिश। पहले हम क्या बोल रहे थे कि वॉट डू आई हैव, तो इस साउंड की अपेक्षा इस साउंड में आपको कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा बोल करके कि हाँ ये ब्रिटिश साउंड है, वॉट डू आई हैव। और एक्चुअल न्यूट्रल इंग्लिश इज लाइक दिस, जबकि हम इसको जो इंग्लिश स्टाइल में बोल रहे थे अब हम इंग्लिश स्टाइल में बोलेंगे, ठीक है। और इस एपिसोड में मैं आपको दो चार और बता दूँ एग्जाम्पल्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन डालूंगा इसका, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स का यूज़ कर सकें। अब मैं लेता हूँ द पेन इज माइन, अब देखिए इसको मैं पहले आपके लिए ट्रांसक्राइब करूँगा और फिर उसको पढ़ के बताऊँगा। तो ये द साउंड है, ये अ साउंड है, द हो गया, पेन को स्ट्रेस कर रहे हैं, पेन न्यूट्रल है, पेन पेन जैसे ही है, ये ज साउंड है और ये यहाँ पे स्ट्रेस होगा माइन। तो आप ये भी सीख रहे हैं कि किसी सेंटेंस में जिस सेंटेंस के साइज के हिसाब से कहाँ पे स्ट्रेस हो रहा है, एक तो आप स्ट्रेस पैटर्न सीख रहे हैं, दूसरा आप ट्रांसक्रिप्शन सीख रहे हैं, तीसरा आप प्रोनाउंसिएशन सीख रहे हैं, ऐसे दो तीन फायदा हो रहा है आपको इस वीडियो को देखने से। इसको मैं एपिसोड वाइज बताऊंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दो चार सेंटेंस करके सुविधा हो और वीडियो बहुत बड़ा भी ना बने, जिससे कि आप इसको रिवाइज कर सके कम समय में। द पेन इज माइन, तो द को जल्दी से पढ़ेंगे, द पेन, थोड़ा सा समय यहाँ पे लेंगे, द पेन, पेन पूरा साफ सुनाई देना चाहिए, द पेन, द पेन, द को एकदम छू रहे हैं, द पेन इज, द पेन इज, द पेन इज माइन, माइन में यहाँ पे थोड़ा समय ले रहे हैं और पेन में थोड़ा समय ले रहे हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए, ये था आपका सिक्स्थ एग्जांपल, सेवेंथ, और अब थोड़ा सा मैं बड़ा सेंटेंस लेता हूँ इस पर, ठीक है, देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट हिज रिटर्निंग, एक थोड़ा सा मैंने बड़ा सेंटेंस लिया, इसको मैं पहले ट्रांसक्राइब कर दूं, इसलिए मैं दूसरे कलर को ले रहा हूं। अब यहां पे द साउंड तो आप सीख ही गए होंगे, देयर्स नो, तो
this now, यहाँ भी स्ट्रेस है और यानी यहाँ पे स्ट्रेस लगाया हूँ, यहाँ भी स्ट्रेस है. श टन टी अबाउट है ना हिज रिटर्न रिटर्न रिटर्निंग अंगा साउंड. ये मैंने ट्रांसक्राइब कर दिया फ्रेंड. अब आप देखेंगे कि देयर इज को देयर देयर इज नाउ स्ट्रेस है नाउ नाउ. अब ये जो नो है उसको आप पढ़ रहे हैं नाउ, ठीक है. गो को भी गो नहीं पढ़ के हम पढ़ते हैं क्या, जी अ एंड ओ गो, तो गो नाउ ऐसे पढ़ते हैं. तो देयर नाउ इसमें भी स्ट्रेस है. सर्टेनिटी अबाउट हिज रिटर्निंग. अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे तो रिटर्निंग, बट हेयर र साउंड इज नॉट देयर बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग हेयर ब्रिटिश स्टाइल. रिटर्निंग रिटर अ साउंड अ, यहाँ पे अमेरिकन में आर आ रहा है बट यहाँ पे क्या आ रहा है अ साउंड रिटर्निंग. अब मैं एट्थ पॉइंट एट सेंटेंस को लेता हूँ. नंबर एट देयर इज, तो अब मैं फिर छोटा सेंटेंस लेता हूँ. आई ऑन द गार्डन, कोई पूछता है कि भाई किसका गार्डन है, आपने एक डायलॉग बोला आई ऑन द गार्डन या आई ऑन दिस गार्डन. इसको ट्रांसक्राइब कर दूं मैं, आई तो आप सीख ही लिए थे. अब ऑन को कैसे बोलेंगे, स्ट्रेस लगा के अ उ एंड न साउंड, ये द साउंड है अ एंड गा डन, ठीक है. ये क्या हो गया आई ऑन द गार्डन, इसको प्रैक्टिस करें आप, ठीक है. नाइन्थ नंबर, मैं दो सेंटेंस आपको और बताऊंगा जिसमें से ये नाइन्थ नंबर सेंटेंस में लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा इससे थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस में लेता हूँ, ठीक है. तो मैं ले लेता हूँ कि द चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर स्कूल एट ओ सी एल ओ सी के ओक्लॉक. अब इसको मैं ट्रांसक्राइब करके आपको बताता हूँ कि ये कैसे ट्रांसक्राइब होगा, ठीक है. तो ये द साउंड तो आप सीख लिए, द अब चिल्ड्रन कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रन च साउंड के लिए हम ट और बड़ी वाली एश को लगाते हैं तो च साउंड लिखते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, इसको आप याद रखेंगे. और चिल्ड्रन द चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर को हम एफ एंड अ साउंड बोल रहे थे, अब स्कूल पे स्ट्रेस होगा, स्कूल ही पढ़ेंगे. एट एट नहीं बोल के एट साउंड है यहाँ पे और ए एट में ए आ रहा है, ये स्ट्रेस है, ठीक है. ये स्ट्रेस मान के चलेंगे आप. एट एट और क्लॉक टकरा के एक साउंड एसिमिलेट हो जा रहा है क्लॉक, ठीक है. अब देखिए इसको आपको पढ़ने में आसानी होगी. द चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर स्कूल एट अ क्लॉक द चिल्ड्रन, ठीक है. द जल्दी से द चिल्ड्रन पूरा साउंड को देकर यानी चिल्ड्रन साफ सुनाई दे रहा है. द पूरा नहीं बोल के द हल्का सा आप ले सकते हैं. द चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर स्कूल एट एट क्लॉक, एट ओ क्लॉक नहीं बोल के एट एंड क्लॉक टकरा के सिमुलेट होके एक ही साउंड बन जा रहा है एट क्लॉक इन प्लेस ऑफ एट ओ क्लॉक. अब मैं इस सेशन का कोई भी लास्ट सेंटेंस प्रैक्टिस करवाता हूँ ताकि आप 10 सेंटेंस को रिवाइज कर सके और वीडियो बहुत लंबा प्रोलॉन्ग ना हो जाए. एक मैं और लेता हूँ, ठीक है. जैसे इस बार छोटा लेता हूँ मैं, शी कैन ड्राइव अ कार, शी कैन ड्राइव ए कार ऐसे पढ़ रहे हैं अभी हम. इसको हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअली, दिस इज तलाबिशा के लिए श बड़ी शिन श सी कैन स्ट्रेस ले रहा हूँ, ये स्ट्रेस है, ठीक है. इसको एल ना समझेंगे. ड्राइव अ कार, शी कैन ड्राइव अ कार, शी कैन ड्राइव अ कार. थैंक यू फ्रेंड. नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप इसको फिर से देखें और प्रैक्टिस करें और अपने इंग्लिश को स्टैंडर्डाइज एंड परफेक्ट करें. थैंक यू.